We'll start with question number 27. Read the question. Explain how the economic concepts of scarcity and choice are demonstrated when an individual is likely for a is looking for a new home. So when an individual is looking for a new home, how the problem of scarcity and the choice are demonstrated. First of all, scarcity किस चीजों का है? Scarcity of funds है. So when you are looking, you have a lot of choices which may not be within the range within your funds because your funds are limited. And अगर आप लोन लेने जाओगे तो लोन भी लिमिटेड मिलता है. The repayment of the loan every month or every quarter or every year that you are making, that fund is limited. So you can first talk about the limitations of scarcity of fund. Now, apart from scarcity of fund, there is scarcity of resources in terms of the land suitable home. तो आपको फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ 2 BHK प्रॉप दिस पर्टिकुलर साइज दीज एमिनिटीज शुड बी देयर. तो एक आपका एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है ऑफ द होम दैट यू नीड विच यू मे नॉट बी एबल टू गेट बिकॉज ऑफ अगेन स्केसिटी ऑफ होम्स. तो आपने स्केसिटी ऑफ होम्स को भी समझा दिया इन द शॉर्ट रन. इन द लॉन्ग रन हो सकता है, अगेन यहाँ पे बोला नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. सो अगेन शॉर्ट रन में फंड्स का लिमिटेशंस ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वेर एज इन द सेम टाइम अगर हम लोग लॉन्ग रन का बात करें तो लॉन्ग रन में इट्स इजियर टू गेट फंड्स थ्रू लोन्स एंड थ्रू अदर सोर्सेस. ठीक है. अगेन होम सर्च में भी अगर आप सर्च करना स्टार्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको अप्रोप्रिएट होम नहीं मिलता बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है टू सर्च, एंड लॉन्ग रन में आपके पास दैट टाइम इज देयर. दिस इज वन एस्पेक्ट. अनदर चॉइस. सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ आता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ आता है? जब हम लोग के पास फॉर एग्जाम्पल सिमिलर हमें होम्स मिल रहे हैं. नाउ यू नीड टू डिसाइड विच वन यू आर गोइंग विथ. आर यू गोइंग विथ अ स्मॉलर होम और अ होम विच इज सुटेबल फॉर अ लोकैलिटी? तो कहीं पे लोकैलिटी अच्छा है तो आपके साइज का, आपके डिजायर्स का घर नहीं मिल रहा, या फिर साइज अच्छा है तो वो लोकैलिटी अच्छा नहीं है, रीजन अच्छा नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इन टर्म्स ऑफ द चॉइस. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट. If you all have any points, you can mention in the chat box or unmute and answer. Discuss with reference to the concepts offered by behavioral economics relating to consumers' irrational behavior by consumers may purchase television sets flagged as being on special offer in the absence of any price reduction. तो हम गए, हम मे बी हमें शॉपिंग करना नहीं था या हम गए शॉपिंग करने एंड वी सॉ कि देर आर सम टेलीविजन्स विच आर प्लेस्ड एट अ स्पेशल ऑफर एंड आपने वो खरीद लिया जस्ट बिकॉज वो स्पेशल ऑफर वर्ड मेंशन था. ऑल्दो देर इज नो प्राइस रिडक्शन कि भाई पहले इतना था अभी इतना है, बस खाली स्पेशल ऑफर बोल दिया एंड वो टेलीविजन लगा दिया ना आप खरीद लोगे. सो एक अजम्पशन है दैट पीपल आर रैशनल, ये हमारा अजम्पशन है, बट जनरली पीपल आर नॉट रैशनल. एंड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर वुड बाय अ डिश वॉशर दैट इज ऑफ द सेम ब्रांड एज द वॉशिंग मशीन. तो ये हमने किया ब्रांड वैल्यू वाला चीज. तो दोनों में क्या बोल रहे हैं? पहला वाला क्या दिखाता है? स्पेशल ऑफर जो वर्ड है फ्रेमिंग आ गया इधर. फ्रेमिंग का मतलब है कि किस तरीके से एडवर्टाइजर्स अपने, वेरी गुड जानवी, सो किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट के सेलिंग को फ्रेम कर रहे हैं ताकि आप अट्रैक्ट होके वो बाय कर रहे हो. इवन दो आपको वो नहीं खरीदना था बट स्टिल वहां पे स्पेशल ऑफर लिखा है, आप उसको खरीद के आप मन में सेटिस्फाई होते हो कि इट्स अ गुड परचेज, हमने कम में एट अ स्पेशल हमने गुड बार्गेन गुड डील हमने क्रैक किया. सिमिलरली जो हम लोग दूसरा बोल रहे हैं सेम ब्रांड दैट इज योर ब्रांड का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने कल? कल भी हमने एक डिस्कस किया था बाउंडेड रैशनैलिटी, मतलब आप
आप रैशनल थिंकिंग कर रहे हो बट एक रीजन, एक बाउंडेशन में कर रहे हो, एंड वो बाउंडेशन कल हमने किया था टाइम है, यहाँ पे वो बाउंडेशन आपका एक ब्रांड है कि क्योंकि मैंने हो सकता है सैमसंग का वॉशिंग मशीन यूज किया है या डिश वॉशर यूज किया वॉट एवर, तो उसी का मैं दूसरा प्रोडक्ट खरीदूंगी बिकॉज आई फील कि इस ब्रांड ने अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी गुड. यू कैन ऑल्सो से रूल ऑफ थम, यू कैन से रूल ऑफ थम, यू कैन से बाउंडेड रैशनैलिटी, एंड उसको आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो यू नीड टू टेक दीज वर्ड्स. नेक्स्ट 29, डिस्क्राइब हाउ कंज्यूमर्स मे एग्जिबिट स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर विद देयर परचेजिंग पैटर्न्स, स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर विद देयर परचेजिंग पैटर्न इन द इवेंट ऑफ अ शॉर्टेज इन द फूड मार्केट एंड इम्पैक्ट दिस हैज ऑन द सप्लायर्स एंड द सोसाइटी विद रेफरेंस टू द एग्जाम्पल. तो जैसे अगर हम लोग बोले कोविड के टाइम पे, एंड स्पेक्यूलेटिव बिहेवियर, देर आर टू काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन विच कैन हैपन. एक स्पेक्यूलेशन हो सकता है भाई आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेज विल इंक्रीज, एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग की प्राइसेज विल इंक्रीज इन फ्यूचर बिकॉज अभी हमें लग रहा है कि अभी देर इज अ शॉर्टेज और ज्यादा शॉर्टेज होगा, क्योंकि आप डायग्राम नहीं बना सकते हो तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. वेन इट वॉज पेन पेपर पे डायग्राम बना सकते थे, डायग्राम बना के समझा दोगे तो डायग्राम का भी मार्क्स मिल गया, एक्सप्लेनिंग का भी, बट अब क्योंकि नहीं बना सकते तो अच्छे से समझाना होगा. तो दो बिहेवियर है, एक है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या बोलो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि और प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि और शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज विल इंक्रीज, प्राइस विल गो अप, तो आप क्या करोगे, अभी आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो डिमांड अभी और बढ़ेगा, और डिमांड अभी और बढ़ने से अभी प्राइस और शूटअप हो जाएगा. एंड इसकी वजह से इन्होंने एक और चीज बोला है, इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड द सप्लायर्स. सप्लायर्स के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे भाई ये तो प्राइस ज्यादा देने के लिए रेडी है तो मैं और शॉर्टेज क्रिएट करूं मार्केट में जानबूझ के, ताकि वो और प्राइस बढ़ा दे अपना, उनको लगे मार्केट में क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि और शॉर्टेज होने वाला है, तो अगर जब ऐसा माहौल चल रहा है तो सप्लायर तो और शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है. एंड दूसरा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, जिन लोगों के पास अप्रोप्रिएट मनी नहीं है टू बाय फॉर फ्यूचर, जो डेली वेज अर्नर्स है, जो मंथली वेज अर्नर्स है कि मंथली हम इतना ही बजट बना के स्पेंड कर सकते हैं, फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट टू बाय, तो वो एक हो गया. दिस इज डीस्टेबलाइजिंग. स्टेबलाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि ये जो अभी शॉर्टेज है ये कुछ दिनों का शॉर्टेज है, बाद में आपका सप्लाई इंक्रीज होगा, मार्केट में ये माहौल है. तो अगर आपका ऐसा इमोशन चल रहा है इन द मार्केट, सेंटिमेंट चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, अभी जितना परचेज करना है उतना ही करेंगे कि बाद में खरीदेंगे, अभी पैसा ज्यादा है तो दे विल रिड्यूस देयर डिमांड, प्राइस विल गो डाउन. एंड सिंस प्राइस इज गोइंग डाउन, सप्लायर क्या सोचेगा कि अभी निकालो, अभी जितना बेचो, तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा अगर उसके पास कोई सामान है भी, तो वो जो जो सोचा था हमने वो पूरा होगा. एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी के लिए इट इज गुड बिकॉज इट विल लीड टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. जो आपके बाकी लोग हैं जो डेली का ही कमा के दे स्पेंड, तो उनके लिए चीज सही है. तो इसको आपको पूरा समझाना है, दोनों दोनों 5-6 मार्क्स का है ना. सो यहाँ पे एक चीज, एक पैराग्राफ है जो मैं रीड करती हूँ. सोसाइटी एज अ होल में एक्सपीरियंस क्यूइंग एंड रैशनिंग, ये वाला हो गया आपके शॉर्टेज में. टू कर्ब द डिमांड वी में गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा राशन कार्ड्स की भाई रैशनिंग करेगा, इतना ही आप खरीद सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डाल देगा. वी में ऑल्सो ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, जैसे सेकेंडरी मार्केट मतलब जो एक मेन मार्केट है वहां से लोग नहीं खरीद रहे, ब्लैक मार्केटिंग भी आ सकता है. ठीक है, इन सम केसेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगा जहां पे प्राइस फ्लोर लग जाएगा और रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ परचेजेस भी लग सकता है. तो ये एक एडिशनल 1 मार्क का 2 मार्क का ये भी डाल सकते हो कि गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग, सॉरी यहाँ पे प्राइस फ्लोर आएगा, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन विच मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ट रिप्रेजेंट्स, ये शायद मैंने आप लोगों को मॉक में दिया था ना, हेयर ड्रेसर्स, हेयर ड्रेसिंग सलॉन्स एंड फर्म्स इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. पहले हेयर ड्रेसिंग सलॉन बताओ क्या हो सकता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा नहीं, तो आपको कैसे बताने, आपको पहले वो मार्केट स्ट्रक्चर चूज करना है एंड फिर उसके प्रोज बताने. 2.5 मार्क्स, तो पहला वाला कौन सा बोलेगा, मोनोपोली,
हेयर ड्रेसिंग सलॉन्स, सलॉन्स जो होते हैं, मोनोपली नहीं हो सकता, परफेक्ट कंपटीशन। कैसे परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है? परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि होमोजेनस गुड्स होना चाहिए। सलॉन्स कैन नेवर बी होमोजेनस बिकॉज यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड्स ऑन द जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, उसके स्किल सेट पे डिपेंड करते हैं। सो इट्स सेम, इट्स सिमिलर बट नॉट सेम, इट कैन नॉट बी होमोजेनस। तो क्या बचा? ऑलिगोपोलीज, फ्यू फर्म्स हु मे कोलाइड, जो यहाँ पे डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या बचा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओलिगोपोली क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओलिगोपोली में आप एक बैरियर सेट कर सकते हो कार्टेल बना के, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, व्हिच इज नॉट द केस यहाँ पे। एंड सिंस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो सर्विस है, वो सर्विस के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट्स डिफरेंशिएबल, है ना? एंड ईच फर्म कैन एक्चुअली दे कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस बाय एडवर्टाइजिंग इन अ पर्टिकुलर वे और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफर्स, ठीक है? एंड देर आर मेनी फर्म्स इन अ पर्टिकुलर लोकैलिटी, देर आर मेनी सलॉन्स इन अ लोकैलिटी, ईच ऐसे से डिफर करता है। सो इट्स अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। हाँ, ओलिगोपोली आप कब बोल सकते हो? जैसे एक फ्रेंचाइजी आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड्स, लैकमे सलॉन, तो ये सारे क्या हो गए? फ्रेंचाइजीज हो गए। तो इस कुछ टॉप, अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया का बात करेंगे तो कुछ टॉप फ्रेंचाइजीज है, जावेद हबीब्स एंड ऑल दैट। तो वो अपना क्या कर रहे हैं, हर एरिया में, हर लोकैलिटी में अपने एक एक सलॉन खोल दे रहे हैं। सो दैट कैन बिकम ओलिगोपोली। बट अगेन यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सलॉन्स यहाँ पे तुम लोग को ये बताओ सबसे पहले तो, यहाँ पे बैरियर टू एंट्री कैसा है? इज देयर एनी बैरियर टू एंट्री? इट्स वेरी लो, है ना? द बैरियर टू एंट्री इज मतलब फ्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट है, फ्री नहीं बोल सकते, बस इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, ठीक है? तो बहुत कॉस्टली नहीं है, रिलेटिवली लो बैरियर्स टू एंट्री है। और ओलिगोपोली में हमने और मोनोपोली में हमने क्या देखा है कि ओलिगोपोली एंड मोनोपोली में बैरियर टू एंट्री अच्छा खासा होता है। सो इसीलिए ओलिगोपोली आप नहीं, तो आप क्या करोगे? अगर आप मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोल रहे हो, आप उसके फीचर्स बता रहे हो, तो आप ये भी बोलो कि बाकी क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर मन में आ रहे हो ओलिगोपोली हो सकता है, तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है? बट एक नीश सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एकदम टॉप क्वालिटी कुछ सर्विस हम लोग खाली बात करें, तो उस केस में आप ओलिगोपोली बोल सकते हो, इवन इन द सलॉन सर्विसेज। ओपन एंडेड आप रख सकते हो, बट मेजरली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है? नेक्स्ट वाला है फर्म्स इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स क्या हो गए आपके, जो गर्ल्स यूज करती हैं, बॉयज भी करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स में आप क्या बोल सकते हो, क्या होगा वहां पे? आप कुछ टॉप नाम ले लो ना, कुछ टॉप फर्म के नाम ले लो। वेरी गुड, ओलिगोपोली। क्यों? अगेन यहाँ पे आपके प्रोडक्ट काफी सिमिलर होते हैं, अगेन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रांड नेम ओनली। फॉर गर्ल्स हु यूज अ फाउंडेशन, ठीक है, या फिर काजल का बात करें, काजल ब्लैक है, हर ब्रांड का काजल ब्लैक है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड नेम, ठीक है? आप बाद में देखते हो किसमें क्या मटेरियल है, क्या इनपुट है, वो सब, बट ब्रांड नेम और वो कैसे डेवलप होते हैं। तो ओलिगोपोली का सबसे मेन इज कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कुछ भी एक फैक्ट्री बनाना, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यू नीड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो देयर इज अ बैरियर ऑफ एंट्री। प्लस एट द सेम टाइम जो टॉप पोजिशन पे है वो अपना कैसे, इंस्टेड ऑफ प्राइस वॉर, वो कैसे आपस में कंपीट कर सकते हैं यूजिंग एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, ठीक है? ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, देर आर रिलेटिवली फ्यू कॉम्पिटिशन इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, टॉप कॉस्मेटिक्स का अगर हम लोग बात करें तो, राइट? नेक्स्ट ये वाला करो। कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल देयर इनकम एंड ऑलवेज सीक टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। दो गुड्स हैं, द कंज्यूमर हैज इनिशियल इनकम दिया हुआ है 100 का, कॉस्ट दिया हुआ है, ये PX है, ये PY है, 10X, 5Y, नॉर्मल गुड्स है दोनों। अब बोलो, पहला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू पॉसिबल कंजम्पशन बंडल ऑफ टू गुड्स, अज्यूमिंग इनकम आपका ये है, तो
तो और क्या हम लोग अभी करंटली वो 10x और 5y कर रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? बजट मस्ट बी 150, ये याद रखो, बहुत इजी है। बोलो ना, कोई भी बंडल बोल दो। 16x, अगर हम लोग 11x कर दे तो वाई कितना कंज्यूम कर पाएंगे? कितना प्राइस है इसका? 5 है, 55 हो गया, तो 55, 150 माइनस 55 कितना होता है? तो 95 तो नहीं कर पाएंगे। 12 कर दो तो कितना हो जाएगा? 6y हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू पॉसिबल कंजम्पशन बंडल। इफ प्राइस ऑफ वाई वर टू फॉल टू 5, तो अभी 10 से 5 हो गए एंड बजट आपका लेट्स सपोज 150 ही है। नहीं, आपका बजट 100 ही रखना है, क्योंकि बजट में देर इज नो चेंज, बजट 100 ही होगा। तो क्या बोलेंगे अब, कितना कर सकते हैं? 5 5, 10x, 10y कर सकते हैं हम। कितना आ रहा है टोटल? 50 प्लस 50, 100। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट द, हुआ क्या? आपने जब इनकम इंक्रीज किया, दोनों एक्स एंड वाई बढ़ा। जब आपने खाली प्राइस डिक्रीज किया, तो हमने वाई बढ़ाया। हम उल्टा भी कर सकते थे, हम एक्स भी बढ़ा सकते थे। स्टेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम्ड इफ द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई राइजेस टू 7 यूनिट्स ड्यू टू अ 50% फॉल इन द प्राइस। 50% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स का मतलब क्या? 5 का 50% इज 2.5, तो प्राइस हो गया 2। अच्छा हाँ, सॉरी, वाई का प्राइस फॉल हुआ, तो 10 का 50% कितना होता है? तो 5 हो गया प्राइस। फाइव हो गया इसका प्राइस और ये 7 हो गया, 7y। तो आप कितना कर पाओगे? 7 × 5 इज, बाकी कितना पैसा बच रहा है? 75, 65। तो 65 में आप कितना एक्स कंज्यूम कर सकते हो? डिवाइड बाय 5 करो, 13, तो 13 ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑन द बजट लाइन एंड द स्लोप कोएफिशिएंट। अगर एक्स का प्राइस राइजेस एंड वाई का प्राइस राइजेस, तो अगर हमारा, अगर बजट लाइन ऐसा है और दोनों का प्राइस बढ़ता है, तो सबसे पहले तो ये पता है कि बजट लाइन पैरेलली नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्राइस बढ़ा है। बट अलग अलग बढ़ा है, इसका 5 इसका 6। तो ये बताओ ना, फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली हमारा क्या था? 100 था बजट और ये 5 था। 100 / 5 कितना होता है? ये हो गया 20x और ये y 10। अब हो गया है प्राइस y का, प्राइस फ्रॉम, इन्होंने 7 से 12 लिया है। हाँ, तो y कितना हो जाएगा? 100 / 7 कितना होता है? पॉइंट्स में आएगा कितना? समथिंग इन पॉइंट्स। चलो, नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स। हाँ, समथिंग। अब अगर 12 हो गया, तो आप ज्यादा कम कंज्यूम करोगे, बट फॉल किस में ज्यादा है परसेंटेज वाइज? ये कितना परसेंट इंक्रीज है? 1/5 कितना होता है? 20%। ये 20% इंक्रीज है और ये 5/7 कितना होता है? ले कैलकुलेटर खोलो यार, क्या कर रहे हैं ऐसे क्लास में, बस बैठ गया आके। 5/, हाँ, 5/7, 71% है। तो राई ज्यादा वाई में है, तो सबसे पहले तो शिफ्ट हम लोग बोलेंगे कि इनवर्ट शिफ्ट है। और पहले स्लोप कितना था हम लोग का?
पीएक्स बाय पीवाई होता है ना, इन लोग कैसे ले रहे हैं 5/7 ले रहे हैं कि 5/10 ले रहे हैं स्लोप? इन लोग ने 10 लिया है इनिशियल प्राइस ऑफ वाई एस 10। इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ वाई इज टेकन एज 7, देन द स्लोप इज 5/7। हाँ, इन्होंने कुछ गलत किया, छोड़ो। 5/7 इज द स्लोप ना, एंड नेगेटिव होता है तो -5/7 इज द स्लोप, विच इज -0.7। और अभी क्या हो गया स्लोप? -6/12, विच इज -0.5। सो स्टीपर हो गया कि फ्लैटर हो गया? स्लोप कम होने का मतलब फ्लैटर हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होगा? आपका एक्स का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा एंड इनकम इफेक्ट विल ऑल्सो लीड टू अ फर्दर राइज इन एक्स, क्योंकि एक्स में ज्यादा फॉल, एक्स का जो फॉल है, राइज है, वो कम है। तो इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? प्राइस ऑफ वाई इज हायर देन एक्स, तो आप एक्स खरीदोगे। एंड सब इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है कि जिसका आपका प्राइस परसेंटेज चेंज कम है, क्यों, किस में कम है आपका? 5 से 6 गया ना, इंक्रीज हो रहा है तो इसमें कम है, तो आप इनकम इफेक्ट से भी एक्स खरीदोगे, तो ये फ्लैटर हो गया। बेसिकली फ्लैटर होने का मतलब ऐसा, मतलब अंदर तो घुस जाएगा ही बट समवॉट ऐसा रहेगा, फ्लैटर, ठीक है? क्योंकि 0.7 से 0.5 हो गया स्लोप। डिस्क्राइब द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। तो अगर देर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक्स इज अ नॉर्मल गुड, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब आप बाकी कुछ को सब्स्टिट्यूट करके एक्स खरीदोगे, दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर पी एक्स गिरता है तो आप और ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूम करोगे अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, विच इज नेगेटिव फॉर अ नॉर्मल गुड। एंड इनकम इफेक्ट का मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है, मतलब आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, तो आप और ज्यादा कंज्यूम करोगे। अगेन इनकम इफेक्ट इज जनरली, अगर आप इसके टर्म्स में बोलोगे तो नेगेटिव, बट इनकम के टर्म्स में इट्स पॉजिटिव फॉर अ नॉर्मल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 करो। जीडीपी या टेम्पी निकालना है, क्या क्या ले लेंगे? जीडीपी या टेम्पी बोलो। ये हमने कल किया था क्या? नहीं किया था। 80+ सिमिलर क्वेश्चन। बोलो 30, ये दोनों लेंगे। और एमपी बोला है, दिस इज एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो +20 -15 +5 कर देते हैं। और आ, 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 जीडीपी बोला है ना, तो ये सब नहीं लेना है। कितना आ रहा है? ₹150 आया, वेरी गुड। कैलकुलेट एट बेसिक प्राइस, तो 150 ये कर देंगे, -20 +15 -5 कितना हो जाएगा? NY NI 145, और ये अपने +20 कर देंगे। फिर बेसिक प्राइस नेट बोल रहा है, तो अगेन 165 -20 +15, सो -5, और नेट बोल रहा है मतलब कैपिटल डेप्रिसिएशन भी माइनस, तो 155। हाँ नेट है ना, मैम सिर्फ 160 होगा ना, नहीं तो ये वन अच्छा वो ये सिक्सटी बेस प्राइस पे था। हाँ ठीक है ठीक है, ये बेस प्राइस पे था तो -5 ही करेंगे खाली, सॉरी 160 हो गया। उसके बाद 160 है ना, हाँ। फिर नेट आप लोग को पूरा दिखा के करना है, सी जी आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1-1 मार्क ही है। नेट अब 160 +5, 165 हो गया ये वाला। चलो नेक्स्ट। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट डेट एंड गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेट क्या होता है? पहले बजट डेफिसिट बताओ क्या होता है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इज पॉजिटिव, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू इज लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है. एंड इफ योर बजट डेफिसिट इंक्रीजेस, तो डेफिसिट मीट करने के लिए गवर्नमेंट विल टेक अ लोन, बिकॉज एक्सपेंस ज्यादा करे तो लोन लेके तो एक्सपेंस ज्यादा कर पाएंगे. सो इन ऑर्डर टू रेज दैट लोन वो क्या करते हैं, डेट लेते हैं, दैट्स अ गवर्नमेंट डेट. सो ओवरऑल अमाउंट ऑफ नेशनल डेट ओवर द इयर्स इज नोन एज गवर्नमेंट डेट. इफ डेफिसिट इज नेगेटिव, इफ देर इज अ डेफिसिट, नेगेटिव नहीं, इफ देर इज अ डेफिसिट, सो दिस गवर्नमेंट डेट विल गो अप, इट विल इंक्रीज, ठीक है. इफ द स्पेंडिंग विल एक्सीड इनकम द बजट डेफिसिट विल इंक्रीज. बस यही समझाना है. इकोनॉमी एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एन इंक्रीज इन सेविंग्स मे नॉट बी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी. इंक्रीज इन सेविंग्स मे नॉट बी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी. बताओ कुछ. हाँ तुम, हाँ मतलब क्या, पर अगर सब लोग सेव करेंगे तो इससे हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा. क्यों होगा? अगर आप सेविंग कर रहे हो, सेविंग इज अ विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सो देर विल बी मोर विड्रॉल्स इन द इकोनॉमी. योर इनकम, नेशनल इनकम विल गो डाउन. विड्रॉल मतलब, और इससे सबसे पहला फर्क पड़ता है, कंजम्पशन विल गो डाउन, तो लोग कंज्यूम कम करेंगे, जिससे फर्क पड़ता है आपका एग्रीगेट डिमांड विल गो डाउन. अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा मतलब एक्सपेंडिचर कम, मतलब क्या, प्रोडक्शन कम. प्रोडक्शन कम मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, इनकम गोज डाउन. इनकम गोज डाउन मतलब जीडीपी गोज डाउन ऑफ द कंट्री, ग्रोथ गोज डाउन, विच इन टर्न अगेन लीड्स टू, अगर हम लोगों को पूरा स्पाइरल इफेक्ट दिखाए, विच अगेन विल लीड टू फॉल इन. मतलब अगर आपका जीडीपी कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, विच अगेन विल लीड टू फॉल इन कंजम्पशन, ऐसे बोलो. अगेन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब नीचे जाएंगे, और ये सब नीचे जाएंगे तो वापस से सेम प्रोसेस आपका रिपीट होगा, एंड इट विल रीच एन एक वेरी गुड पैराडॉक्स ऑफ, जो तुम बोल रहा था, ऑफ थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. तो वो पूरा हम लोग को अब समझाना है, लास्ट में आप यूज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. तो ये पूरा, एंड वापस से फ्यूचर स्पेंडिंग, अगर अगर स्पेंडिंग कम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड, फिर देयर विल बी अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, जिसके वजह से लोग और स्पेंडिंग कम करेंगे, जिसके वजह से द इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड्स रिसेशन. सो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका चलते जाएगा. ठीक है, इसको समझा देना. नेक्स्ट, वर्ड्स यूज करो, वर्ड्स लाइक कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, ग्रोथ, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट. Evaluate with reference to the production of aircraft in an open economy whether advantages of specialization and division of labor outweigh the disadvantages. Advantages outweigh the disadvantages. अगर हम लोग production करें aircrafts का in an economy, तो उसका क्या क्या advantage है in terms of specialization? पहली बात तो हमारे कंट्री का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप करोगे, एयरक्राफ्ट आप प्रोड्यूस करोगे, तो आपको वर्कर्स हुआ स्पेशलाइजिंग इन दैट इंडस्ट्री, इट विल इंक्रीज, इट विल गो अप. वर्कर्स को ज्यादा वर्क काम मिल रहा है, दे आर एबल टू एक्सपोर्ट सिंस इट्स एन ओपन इकोनॉमी. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर कैसे हो जाएगा, और बोलो स्पेसिफिक टास्क. डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि एक टीम्स बन गए, ग्रुप्स बन गए, अब वो उसी चीज में खाली काम करेंगे और किसी चीज में वो काम नहीं करेंगे. नाउ इससे क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, कि आपका खाली इसी पर्टिकुलर स्किल पे काम हो रहा है, अब एक टेक्नोलॉजिकल डिसरप्टमेंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल, विच विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग को खाली इसी डिविजन ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है, नाउ आई एम वर्किंग फॉर अ टीम,
मेरे को 10 साल से इसी टीम में काम करने का हैबिट है, आदत है, स्किल है, नॉलेज है. सडनली आफ्टर 10 ईयर्स मेरा जो काम है एक रोबोट कर दिया, एक मशीन कर दिया. तो अब मेरे पे क्या हो गया, नाउ आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स बिकॉज आई एम स्पेशलाइज्ड. बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या हो सकते हैं, नाउ आई एम स्पेशलाइज्ड इन ओनली वन टास्क. अब क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू डू अदर टास्क, सो दिस कैन क्रिएट ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंसर्न ऑफ रेपिटेशन ऑफ डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन लीड्स टू द रिस्क दैट एन इंडिविजुअल वे बिकम एलियनेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डीमोटिवेटेड. अंडरटेकिंग द सेम एक्टिविटी टाइम टू टाइम बोर्डम हो जाएगा. फिर मेरा इफ दीज बिहेवियर बिगिन, तो इसकी वजह से मेरे काम में एरर्स आएंगे. आई एम नॉट मोटिवेटेड टू वर्क, मेरा प्रोडक्शन प्रोडक्टिबिलिटी कम होगा. सो एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन डिविजन ऑफ लेबर बोलोगे, फिर उसी का स्पेसिफिकली आप डिसएडवांटेजेस बोलोगे. ठीक है, एक्सप्लेन वाई विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल वाई डिफरेंट components of aircraft are likely to be produced in different countries. Again, वही specialization, availability of resources, cost effectiveness. हर country का अपना खुद का एक endowment होता है, उन physical endowment जिसको बोलते हैं, वो होता है कि उसमें resources क्या मिल रहे हैं, man power क्या है, climate क्या है, उसके according वो उस particular aspect में specialize करते हैं. और फिर हम देखते हैं कि अलग अलग जगह से जहाँ पे वहाँ पे cost effective है वहाँ पे production होता है, एक जगह पे लाके वो असेंबल होता है. वो ठीक है, बट एक जगह लाके असेंबल. क्वेश्चन इज क्यों होता है. फिजिकल एंडोमेंट मतलब कि रिसोर्सेज रॉ मटेरियल वो उस रीजन में ज्यादा बेटर है. लेबर लेबर जिस जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट में ज्यादा लेबर चाहिए तो वो उस कंट्री में जाएगा जो चीप लेबर है. जहाँ जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट मशीन का काम है तो वहां जाएगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है. ठीक है, तो वो सारा टैक्सेस गवर्नमेंट का भी आप बात कर सकते हो, लैंड लेबर कैपिटल का भी आप बात कर सकते हो. तो एंड विथ एग्जाम्पल्स बोला है तो आई थिंक आप लोग चाइना इंडिया ये सब का कॉम्पोनेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट कंट्रीज में एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड फॉलोइंग अ शॉक सच एज पैंडमिक इन द शॉर्ट रन एंड लाइकली इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन. पोटेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट कंट्री मे एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड अशॉक सच एज पैंडमिक इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग. सो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में डिवाइड करना है एक अचानक सडन शॉक का, तो शॉर्ट रन में क्या बोलेंगे आप लोग, दोनों साइड बोलोगे, डिमांड साइड भी और सप्लाई साइड भी. शॉर्ट रन में बोलो, शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में आप डिमांड करोगे कुछ किसका, सब सारे गुड्स का, एसेंशियल गुड्स का. तो शॉर्ट रन में आप कुछ एसेंशियल गुड्स का डिमांड करोगे जिसके वजह से उसका सप्लाई उतना नहीं रहेगा. तो इस मतलब पहले तो आप आराम आराम सुन जाओ, पहले आप बोलो कि देयर विल बी अ डिमांड साइड शॉक जहां पे लोग एसेंशियल गुड्स भागेंगे खरीदने क्योंकि उनको लग रहा है कि देयर विल बी शट डाउन, उनको नहीं मिलने वाले, तो वहां से प्राइसेस विल गो अप. बट सप्लाई साइड में इतना तुरंत तुरंत हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, प्राइसेस विल शूट अप. सोसाइटल इफेक्ट कि क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट आएगा, चैलेंजेस आएगा. अगेन अगर हम बोले लेबर प्रोविजन में, तो आपके गुड्स उतने प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे सप्लाई साइड से बिकॉज आपके लेबर्स पैंडेमिक में आराम से नहीं, मोबिलिटी एकदम कम हो गया है, सेल्फ आइसोलेशन हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गए हैं, विच अगेन लीड्स टू सप्लाई साइड शॉक विच अगेन लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस. ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इन द लॉन्ग शॉर्ट रन. इन द लॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस विल गो डाउन. फ्यूचर में क्या होगा, धीरे धीरे इट विल टेक टाइम बिकॉज इन द लॉन्ग रन सिंस अगेन द बिजनेसेस हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस. बट जैसे जैसे पैंडमिक खुलेगा वैसे वैसे क्या होगा, गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप. उनको स्पेंड करना पड़ेगा सबसे ज्यादा हेल्थ केयर पे, देन नेसेसरी गुड्स पे. तो हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ रिलेटेड जो भी आपके हैं उन पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे ज्यादा स्पेंड करना है तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बजट डेफिसिट होगा, जिसके वजह से अगेन दे विल हैव टू टेक अ डेट फ्रॉम द इंटरनेशनल फर्म्स, एजेंसीज, वट एवर, एसोसिएशंस. और क्या बोल सकते हैं लॉन्ग रन में, फिर धीरे धीरे देखेंगे डिमांड, व्हेन इट्स स्टेबलाइजिंग डिमांड
will start to go up. Supply side stabilize होगा सबसे पहले when people workers जाके they are able to work in the industry. तो जैसे जैसे supply will go up, again it will take time because confidence अभी भी लोगों का कम है. तो लग्जरी गुड्स में टाइम लगेगा टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस. नेसेसरी गुड्स तो लेने ही पड़ेंगे. तो सब दैट गवर्नमेंट विल टेक अ पार्ट. गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा जिससे कॉन्फिडेंस आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अगेन नेशनल इनकम बढ़े, एंड इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड कंजम्पशन एक बार बढ़ना स्टार्ट हुआ तो अगेन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा विच विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन aggregate demand. That's very long run, not long run, very long run. ठीक है, तो ये पूरा फ्रेम करके हमें लिखना है विथ एग्जाम्पल्स. यहां करते हैं, अब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे. एक काम करो, टेक 10 मिनट्स एंड रीड ऑल द आंसर्स जो हमने डिस्कस किए.